हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने प्लांट टैक्सोनॉमी में ब्रेसिकेसी या क्रूसी फेरिकुल का हाफ बॉटनिकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन देखा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो फैमिलीज हैं उनके डिस्क्रिप्शंस मैं कराऊंगा। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरी फैमिली मालवेसी, को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज की हमारी फैमिली रहेगी मालवेसी। फैमिली है मालवेसी। इसमें कॉटन यानी कपास आता है, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी आती है, एक चाइना रोज जिसको हम गुड़हल कहते हैं, ये प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चाइना रोज फैमिली, कॉटन, भिंडी, ये सब इसी के अंदर आते हैं मालवेसी। हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन किंगडम इसका प्लांटी है। सब किंगडम इसका फेनेरोगेम्स है। फेनेरोगेम्स, उसके बाद डिवीजन अगर हम देखें तो डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्मी। और सब डिवीजन है इसका डाइकोट। तो यहां तक तो ये सभी डाइकोट के अंदर, इतना क्लासिफिकेशन तो सब में चलेगा। अब आगे के लेक्चर में मैं ये चार नहीं लिखूंगा। सब डिवीजन के बाद जो क्लास स्टार्ट होती है उसके बाद लिखेंगे। तो सब डिवीजन के बाद क्लास, भाई पॉलीपेटली है, गैमोपेटली है या फिर मोनोक्लेमाइडी है, तो ये पॉलीपेटली का सदस्य है। पॉलीपेटली अगर आप इसमें सीरीज देखें तो सीरीज वो थैलेमी फ्लोरी, अगर आप इसमें ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर यहां पर हो जाएंगे मालवेल्स, और फैमिली जो देखें तो फैमिली हो जाएगी भाई मालवेसी। अगर हम इस कुल के कुछ इंपोर्टेंट करेक्टर्स को देखें ध्यान में कि भाई किन इंपोर्टेंट करेक्टर्स के आधार पर हम इसे पहचान सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि भाई इसके फ्लावर्स में अनुबाहेदल पाए जाते हैं, एपिकैलिक्स, जिनका जिक्र हमने कल बिल्कुल भी नहीं किया था कि उसमें थे ही नहीं। तो एपिकैलिक्स की उपस्थिति इस फैमिली का एक या इस फ्लावर का एक मुख्य करेक्टर है। दूसरा, अगर हम किसी फ्लावर को या इसके तने को या इसकी पत्ती को अगर तोड़ते हैं तो इसमें से एक लसलसा पदार्थ निकलता है, यह श्लेष्मा कहलाता है। तो श्लेष्मा की उपस्थिति भी इसके तने, पत्ती एंड फ्लावर के अंदर पाई जाती है। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है कि इसमें जो फ्लावर है उसमें जो पेटल्स यानी कि जो कोरोला, जिनको हम दलपुंज कहते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है, विन्यास, वो
व्यावर्तित या ट्विस्टेड होता है। तो हम धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे तो वही वही आवास प्रकृति और स्वभाव नेचर जो है ना वो तो प्राप्ति स्थान। तो देखो ये महत्वपूर्ण कुल है, इसमें लगभग 75 वंश हैं और 1000 जातियां हैं और विश्वव्यापी हो सकता है क्योंकि कॉटन जो है या भिंडी ये लगभग सभी जगह पर बोए जाते हैं, विश्वव्यापी है। हमारे भारत देश के अंदर भी खूब बहुतायत से बोए जाते हैं इसके प्लांट्स। ये साग है, हल्का काष्ठीय है, कुछ जो पादप होंगे ये जो वृक्ष होंगे वो काष्ठीय होंगे, कुछ छुप भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें चाइना रोज या गुड़हल का प्लांट एक छुप ही होता है। अब अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर जो प्लांट है वो आपको एक प्लांट ध्यान रखना है जिसका नाम है चाइना रोज या गुड़हल। तो गुड़हल के प्लांट को लेकर के आप जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, देखो मैंने कल बताया था कि एक फैमिली के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, बहुत सारे वंश होते हैं, उन सभी पादपों या उन सभी स्पीशीज का हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उनमें से एक प्लांट को चुनते हैं जिसका नाम है, जिसे हम कहते हैं होलोटाइप। तो हम यहाँ पर होलोटाइप के रूप में ले रहे हैं ये चाइना रोज गुड़हल। तो इसमें वही सबसे पहले अगर आप देखें तो रूट इनकी जड़ वही ब्रांच्ड टेप रूट, इनकी शाखित मूसला मूल होती है, वही शाखित मूसला मूल होती है, ठीक है, शाखित मूसला मूल है। इसमें कोई स्पेशल करेक्टर नहीं है मूल के अंदर। उसके बाद स्टेम है, तो देखो स्टेम तो वही ऊर्ध्व होता है, शाकीय है, ये सब करेक्टर आपको कलवा ली है, काष्ठीय है अगर है तो, काष्ठ मिलती है तो काष्ठीय, शाखित है बिल्कुल सही शाखित होता है भाई, तना तो गोली होता है लंबा होता है तो बेलनाकार, और श्लेष्मा की उपस्थिति यानी कि इसमें श्लेष्मा नलिकाएं पाई जाती है, तो श्लेष्मा की उपस्थिति ये इसका तने का करैक्टर है। अगर हम देखें तो भाई इसमें एक दो करैक्टर और, जैसे ठोस होता है रोएदार होता है, तो ये भी लिख सकते हैं ठोस है रोएदार है यानी कि रोमिल रोएदार है, तो कॉटन में आपको ये रोएदार देखने को मिलेगा, ठोस तो लगभग होता ही है। उसके बाद आप लीफ इनकी लीव्स पत्ती पर्ण कैसी होती है, देखो पर्ण इसकी या तो स्तंभ से लगी होती है, इनकी स्तंभ से निकलती है, या तो स्तंभ ही है या फिर ये शाखीय होती है, इनकी शाखा से निकलती है, या तो स्तंभीय होती है या फिर ये शाखीय होती है। उसके बाद सिंपल इनकी सरल होती है, एक के बाद एक यानी एक तीन पाँच सात दो चार छः आठ के रूप में निकलती है एकांतरित। देखो एकांतरित पर्ण का मतलब होता है कि एक पर्ण यहाँ निकल गई, दूसरी यहाँ निकल गई, तीसरी यहाँ निकल गई, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, छठी यहाँ, सातवीं यहाँ, आठवीं यहाँ। तो देखेंगे तो ये एक है, ये तीन है, ये पांच है, ये सात है, इधर देखेंगे दो है, चार है, छह है, आठ है। तो इस प्रकार का जो विन्यास है यानी कि पहली के ऊपर तीसरी पत्ती, दूसरी के ऊपर चौथी पत्ती होती है, इसको हम कहते हैं एकांतरित। इस कंडीशन को हम कहते हैं एकांतरित। एकांतरित किसी अंडाकार यानी कि अंडे के आकार की होती है, किसी में ये
अरोमिल होती है, अन अनुपर्णी, एरोमिल यानी कि रोम नहीं पाए जाते हैं, एरोमिल होती है, अन अनुपर्णी होती है, अन अनुपर्णी, इसमें भी श्लेष्मा पाई जाती है और जालिकावत शिराविन्यास ये तो होता ही है द्विबीजपत्री के अंदर, जालिकावत शिराविन्यास ये हमको देखने को मिलता है, जालिकावत शिराविन्यास। उसके बाद नेक्स्ट पुष्पक्रम इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम तो देखो पुष्पक्रम इसमें हम एकल कक्षस्थ, एकल कक्षस्थ मान सकते हैं, एकल कक्षस्थ है और वैसे ये सस्यमाक्षी होता है भाई, ठीक है, एकल कक्षस्थ यानी कि एक में एक कक्ष में एक ही निकलेगा, एकल कक्षस्थ यही आपको याद रखना है। उसके बाद पुष्प को अगर आप देखें तो पुष्प के लक्षण देखो भाई, ये सैवरंत होता है, बिल्कुल व्रंत बड़ा होता है, सैवरंत है, सहपत्री है या असहपत्री है ये भी लिखना है, तो ये सहपत्री होता है, सहपत्री होता है, सहपत्री कभी कभी सहपत्रिकाएं भी पाई जाती है, पूर्ण होता है वही सभी चीजें पाई जाती है, पूर्ण होता है, उभयलिंगी होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, जायांगधर होता है, जायांगधर, जायांगधर होता है, तो भाई सहपत्री हो गया, सहव्रंत हो गया, जायांगधर हो गया, पूर्ण हो गया, बड़ा बड़ा होता है, आकर्षक होता है और चक्रिक, बड़ा आकर्षक, इसलिए इसको चाइना रोज कहते हैं क्योंकि ये रोज के समान है, आकर्षक और चक्रिक या चक्रीय है, चक्र। यहां से हमको पुष्प सूत्र में केवल तीन चीज लेनी है, पुष्प सूत्र में हमको यहां से केवल तीन चीज लेनी है, वो आपको पता ही है भाई क्या क्या लेना है, एक तो लेना है हमको सहपत्री, एक लेना है हमको उभयलिंगी और एक लेना है हमको त्रिज्या सम्मित, इसके बाद कुछ नहीं लेना है। नेक्स्ट इज पुष्प के बाह्य है अनुबाह्य दल इसके अंदर पाए जाते हैं भाई, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एपिकैलिक्स या अनुबाह्य दल, तो अनुबाह्य दल की संख्या 5 से 7 होती है, ये कोर स्पर्शी होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, गुड़हल में अगर आप देखेंगे तो ये स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद बाह्य दल, बाह्य दल की संख्या हमने आप 5, बाह्य दल 5 ये संयुक्त होते हैं, बाह्य दल 5 संयुक्त चिर लग्न यानी कि लंबे समय तक लगे रहते हैं, चिर लग्न और कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी। उसके बाद दलपुंज, दलपुंज भी 5 होते हैं, पृथक दलपुंज ये भी 5 होते हैं, पृथक, और इनका जो विन्यास है वो व्यावर्तित है, ये बड़े होते हैं, इन्हीं की वजह से ये पुष्प आकर्षक होता है भाई, ये लाल या गुलाबी रंग के होते हैं,
और ये पुंकेसरी नाल से जुड़े हुए हैं। पुंकेसरी नाल से जुड़े हुए, तो हमको ये चीज यहां पर लेनी है, यानी कि बाह्य दल आना है, पांच संयुक्त, पांच व्यावर्तित, इस तरह से ऊपर से ये मिटा देते हैं। इनका कोई काम नहीं है, ये हमने एक बार लिख लिया बस, उसके बाद ये मिटा दिया, इसका कोई काम नहीं होता है। इसे हम बिल्कुल भी ना ही पुष्पक्रम को सम्मिलित करते हैं फ्लावर फ्लोरल फॉर्मूला में, तो ये हमने मिटा दिया। अब बचे हमारे पास पुमंग, एंड्रोइसियम पुमंग। तो पुमंग यहां पर वही असंख्य होते हैं, ये पुमंग असंख्य होते हैं, पुंकेसरी नाल से जुड़े हुए। जैसे ये पुंकेसरी नाल से जुड़ा हुआ है, तो इनके जो आधार है उमंग के या पुंकेसर के जो आधार है, ये पुतंतु, जिनको हम कहते हैं पुतंतु, पुतंतु मिलकर पुंकेसरी नाल बनाते हैं। पुंकेसरी नाल बनाते हैं, इसलिए सब एक जगह पर मिलते हैं, तो इनको हम कहते हैं मोनोएडल्फस या एक संघी पुंकेसर। असंख्य होते हैं पुतंतु मिलकर के पुंकेसरी नाल बनाते हैं, एक संघी होते हैं, दल लग्न है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है पुंकेसरी नाल जुड़े हुए, दल लग्न कहेंगे, दल लग्न है। पुंकेसर या पराग कोष एक कोष्ठी होता है, ये जो पराग कोष है इनका वो किडनी के शेप का होता है, इस तरह से ऐसे होता है, इस तरह से ये सब लगे होते हैं, दल लग्न, पराग कोष एक कोष्ठी, पराग कोष एक कोष्ठी और वृक्काकार किडनी, वृक्काकार। वर्तिका एक, सॉरी जायांग में, जायांग या जी गाइनोइसियम। तो गाइनोइसियम को अगर आप देखें कि यदि ये मान लीजिए पुंकेसर, सॉरी ये एक अंडाशय है या कार्पेल, इसके ऊपर वर्तिकाग्र है, यहां वर्तिका है और यहां पर अंडाशय है, तो ये नीचे की तरफ अंडाशय होता है, बीच में वर्तिका है और ऊपर की तरफ होती है यहां पर वर्तिकाग्र। तो अगर मैं देखूं तो जितने भी परागकण होते हैं या जितने पुंकेसर होते हैं, सॉरी जितने भी पुंकेसर हैं वो सब यहां पर जुड़े होते हैं, तो बाहर की तरफ बन जाती है पुंकेसरी नाल, जिसके ऊपर सभी असंख्य पुंकेसर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ देखो जितने, अगर हम इस अंडाशय के अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो इसमें हमको पता चलेगा कि इसमें कितने अंडप हैं, कितने कोष्ठ हैं, तो इस तरह से ये पांच पाए जाते हैं, पंच अंडपी युक्त अंडपी। इसका अंदाजा हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसमें वर्तिका तो एक होती है, लेकिन वर्तिकाग्र जो है वो इसके अंदर इतने अंडप हैं उतना ही होती है, यानी कि पांच वर्तिकाग्र आपको यहां पर देखने को मिलेगी, रेड कलर की होती है, देख लेना। जायांग में लिखे तो भाई पंच अंडपी कौमा युक्तांडपी उर्दोवर्ती अंडाशय, उर्दोवर्ती अंडाशय पंच कोष्ठी
अगर जितने अंडप होते हैं उतने ही कोष्ठ होते हैं, पंचकोष्ठी। और अक्षीय बीजांडन्यास होता है, अक्षीय बीजांडन्यास, ये चीज हमको इसमें इन्वॉल्व करनी है। उसके बाद देखो वर्तिका एक, वर्तिका एक पुंकेसरी नाल से ढकी हुई, पुंकेसरी नाल से ढकी हुई, पुंकेसरी नाल से ढकी हुई वर्तिका एक, वर्तिकाग्र पांच, पांच और समुंड, समुंड। ठीक है, उसके बाद जायांग हो गया फल व बीज। तो फल जो होता है इसका, फल का नाम होता है भाई कैप्सूल, यानी कि फटता है। अगर आपने कॉटन का टिंडा जिसको हम कहते हैं बॉल, वो देखी हो तो शुरुआत में जब वो इमैच्योर होती है तो बंद रहती है, लेकिन जब धीरे धीरे वो मैच्योर होती है तो वे खुल जाती हैं। तो संपुट जो होते हैं वो ऊपर से या कहीं ना कहीं साइड से फटते हैं, वो संपुट होते हैं। तो ये हो गया कैप्सूल। उसके बाद अब पुष्प सूत्र देखिए भाई, पुष्प सूत्र यहां लिख रहा हूं मैं फ्लोरल फॉर्मूला। देखिए कैसे लिखेंगे भाई, सहपत्री, तो सहपत्री के लिए हम लिखते हैं बी आर। उसके बाद उभयलिंगी, तो उभयलिंगी के लिए हम ये बनाते हैं, ये डायग्राम है सॉरी ये चिन्ह है। त्रिज्या सममित है तो हम ये बनाते हैं इस तरह से। अब ये तीन चीज लिखने के बाद हम लिखते हैं अनुबाह्य दल, बाह्य दल, दल और पुंबंग और जायांग। तो अनुबाह्य दल कितने हैं, ई पी आई के, इसका यहाँ पर नाम है ई पी आई के, और ये हैं भाई पांच से सात, पांच से सात। उसके बाद बाह्य दल, बाह्य दल मतलब के, तो के है ये पांच, और ये कैसे हैं संयुक्त हैं। सी, सी भी पांच हैं और ये अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद ए, ए अगर हम देखें तो ए अनंत हैं, ए अनंत हैं इस तरह से, लेकिन ये दल लग्न है, मतलब दल लग्न पुंकेसर, तो ये हमने यहां पर लिख दिया था पुंकेसरी नाल से जुड़े हुए, तो दल लग्न कहेंगे इसको, ये कंडीशन दल लग्न की। लेकिन ये सॉरी पुंकेसरी नाल से जुड़े हुए। उसके बाद ये हम नहीं लगाएंगे, पुंकेसरी नाल से जुड़े हुए हैं, ये दल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं लगाएंगे भाई, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर दल से जुड़े हुए होते डायरेक्ट तो हम लगा देते। उसके बाद जी, जो अंडाशय है वो हमारा पंच अंडपी है, युक्त अंडपी है और ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है, इस तरह से ये हमारा पुष्प सूत्र हो गया। देखो यहाँ पर हमने सहपत्री, उभयलिंगी, त्रिज्या सममित, ये चीज तो यहाँ से ली है। उसके बाद ये अनुबाह्य दल लिया है, बाह्य दल लिया है, दलपुंज लिया है, पुमंग लिए, जायांग लिए, इनसे अब इनका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। हमने इनसे एक बार फ्लावर फ्लोरल फॉर्मूला डराइव कर लिया, तो अब इनका हमारे लिए कोई काम नहीं है, अब ये मिट सकते हैं, भले कोई दिक्कत। अब हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो दल है बाह्य दल और दल का विन्यास, तो बाह्य दल जो है वो कोरस्पर्शी है और दलपुंज जो है वो व्यावर्तित है, बस ये ध्यान रखना है। तो अब शुरू में बनाइए अनुबाह्य दल। तो अनुबाह्य दल अपन पांच से सात बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच छ और ये सात, ठीक है, ये सात। इनको ये बनाने का वही तरीका है इस तरह से।
शुरुआत में नहीं बना पाएंगे, लेकिन बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार बनाने की, तो निश्चित रूप से ऐसे ही गोल बना पाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं। उसके बाद हमको बनाने बाह्य दल। बाह्य दल कोरिस्पर्शी है, पांच बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच। इस तरह से बाह्य दल। उसके बाद उमंग, सॉरी दल। तो दल का जो है वो हमारे पास व्यावर्तित है। तो व्यावर्तित में देखो, एक दल का एक किनारा बाहर और एक किनारा अंदर होता है। जैसे मान लो एक दल ये है, एक दल ये बना लिया, तो इसका एक किनारा हम बाहर रखेंगे, एक किनारा अंदर रखेंगे। तो ये रख दिया भाई, एक किनारा हमने बाहर रख दिया इसका इस तरह से, और एक रख दिया अंदर। थोड़ा सा दूर से बनाते हैं, ये है इस तरह से। तो इसका एक किनारा हमने बाहर, एक किनारा अंदर है इसका। देखो अब इसको देखिए, ये समझ में आएगा आपको, एक किनारा अंदर है, एक किनारा बाहर है इसका। देखिए ये समझ में आएगा आपको, इसका हमने एक किनारा अंदर कर दिया, एक किनारा बाहर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही और इसका भी हमने एक किनारा बाहर कर दिया, एक किनारा अंदर कर दिया, ठीक है। इनको आप इस तरह से दल बना दीजिए, दल की कंडीशन में ऐसे ऐसे। ये बन गए दल पांच, ठीक है। उसके बाद पंच अंडपी, अंडाशय। अगर आप अंडाशय बनाएंगे अंदर, तो ये पंच अंडपी है। पंच अंडपी ये इसका बीजांडासन है, प्लेसेंटा। और इस पर इस प्रकार से ये जो बीजांड है वो लगे होते हैं। अब इसमें अंदर बनाएंगे हम परागकण, तो परागकण एक कोष्ठीय, सॉरी एक कोष्ठीय बनाने हैं। इस प्रकार से आप असंख्य पुंकेसर यहाँ पर बनाएंगे, जो इसके चारों तरफ जुड़े होते हैं, और इस तरह से पुंकेसरी नाल से वो जुड़े होते हैं। ऐसे पुंकेसर असंख्य हैं, लेकिन पुंकेसरी नाल से जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। बीच बीच में और बना दीजिए इस तरह से, असंख्य पुंकेसर होते हैं। अब रहेगा हमारे पास, ये तो मदर एक्सिस है ही इसका, और ये है इसकी सहपत्री के लिए, ये बन गया। तो इस तरह से ये बन गया पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम। दिस इज फ्लोरल डायग्राम ऑफ मालवेसी। तो ये अनुबाह्य दल, ये बाह्य दल, ये दल, ये जायांग और ये पमंग, ये सहपत्री। तो इस पुष्प को देखने से हमको पता लग रहा है कि भाई ये त्रिया सम्मित है, द्विलिंगी है, पूर्ण है। अनुबाह्य दल पाए जाते हैं, बाह्य दल इतने होते हैं, दल इतने होते हैं, पमंग इतने होते हैं और जायांग इतने होते हैं। अब इसके कुछ ज्यादा प्लान तो नहीं है, लेकिन कुछ इसके आर्थिक महत्व के प्लांट्स हैं। इसमें नंबर एक जैसे कि कॉटन है, तो कॉटन की भाई गॉसिपियम की जातियां होती हैं। गॉसिपियम इसका वंश है, गॉसिपियम, ठीक है। तो लगभग चार प्रकार के गॉसिपियम, बारबडेंस है, हिर्सुटम है, अमेरिकम है, एक्थोबरी है, लगभग चार प्रकार की जातियां इसकी होती हैं। गॉसिपियम स्पीसीज कहते हैं। नंबर दूसरा है
भिंडी, तो भिंडी को हम लेडी फिंगर कहते हैं अंग्रेजी में, इसको लेडी फिंगर। और अपनी बॉटनी की नॉलेज भाषा में इसे एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस कहते हैं, एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस। एक पारस पीपल होता है थेस्पेसिया पॉपुलिनिया, को जरूरी नहीं है याद करना। एक हॉली हॉक होता है एल्थिया रोजिया, ये थोड़ा आप देख लेना, हॉली हॉक एल्थिया रोजिया। और एक बच गया वही चाइना रोज गुड़हल, तो चाइना रोज का जो नाम है वो वैसे तो हम कई बार ले चुके हैं, उसका नाम हिबिस्कस रोजा और साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये गुड़हल का नाम है। तो ये कुछ मैंने प्लांट्स के नाम लिखे हैं जो आर्थिक महत्व के हैं। कोई सजावटी पौधा है किसी से, जैसे कपास है तो कपास से देखो बिनोला मिलता है, इससे तेल भी मिलता है, वनस्पति घी से बनाया जाता है। लेडी फिंगर आप वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं, और ये दोनों प्लांट्स जो हैं ये सजावटी पौधे के तौर पर उगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने मालवेसी फैमिली का पूरा हाफ बॉटनिकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन देखा। इसे आप पढ़िए, देखिए, समझ में आएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या कोई आपका सजेशन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।